आज का रात्रि क्लास है 21/6/1964 बच्चे राजी खुशी बैठे हैं। पूछा रात्रि क्लास में पहली बात पूछी, बच्चे राजी खुशी बैठे हैं। बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाने की राय देते हैं। कितनी श्रेष्ठ मत देते हैं। और ये बात वंडरफुल है ना। अभी ये महसूसता कोई गीता पढ़ने या सुनने से थोड़े ही आती है। क्या महसूस था कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। जरा भी नहीं आती है। परंतु यहाँ तो तुम कितना जान गए हो क्योंकि तुमको सारे सृष्टि का चक्र याद है। उसको पाने के लिए आधा कल्प से मनुष्य अभी तक तुम्हारे सामने बहुत धक्का खाते हैं। देखो कहाँ कहाँ जाते हैं, बनारस जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, फलाने फलाने तीर्थों में जाते हैं। और बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, जिसके पास आते हैं अभी, फिर ये बद्रीनाथ कौन है? वहां बद्रीनाथ में भी तो शिव का लिंग ही होगा ना, और क्या होगा? वो बेचारे वहां कितना धक्का खाते रहते। और ये बाबा कितना गुप्त है, यहाँ बैठा हुआ है, बच्चों के पास ही बैठा है। इसलिए बाबा कहते हैं कोटो में को, कोई में भी को, जो मुझे पहचानते हैं। और ये पहचान करके भी माया ऐसी है जो मुझाए करके मुंह फिराए देती है। नहीं तो बच्चों को बाप से मिलने की बड़ी खुशी होनी चाहिए। सामने देखते हैं वो धक्का खाते हैं और हम बाप के पास बैठे हुए हैं। बाप के साथ खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। गायन भी है, तुम्हीं से बैठूं, तुम्हीं से खाऊं। अब ये तुम्ही से मना किससे, नाम किसका लेते हो? क्या कृष्ण से? कृष्ण के साथ तो राजधानी में जो देवताएं होंगे
वो ही बैठेंगे। और तुम तो यहाँ बाप के साथ बैठे हो, तो देखो तुम परमपिता परमात्मा से बैठ करके खेलते हो। देखो बाबा खेलते हैं ना, इसको भी हर्ष हो गया है कि बच्चों से खेलें कूदें ये करें। बरसात के समय में भी ऐसे ऐसे होता है ना, अगर यहाँ तकलीफ होती है तो बेड बाहर भी निकाल करके सो सकते हैं और नजदीक में भी। ऊपर में सोया, बरसात हुई, नहीं तो नीचे भाग कर आ गया। ये बाबा भी खुद ऐसे करते हैं ना। अभी बाबा बाहर में सोते हैं, बरसात पड़ी, ये कपड़े उठाया और भागा अंदर। ऐसे तो बहुत दफा होता है, बाहर सोएंगे, रात को 2 बजे से बरसात फट से आई और फिर ये भागा अंदर। और ये तो अच्छा ही होता है कि फिर हमको जागना पड़ता है, तो बाबा को ही याद करते हैं। अच्छा ही हुआ ना, बरसात ने नींद से उठाई दिया, तो बैठ करके अपने बाबा को याद करो। ये ड्रामा कल्याणकारी समझो ना, कुछ भी हो जाता है ड्रामा कल्याणकारी है। ऐसे समझेंगे तो तुम्हारी कमाई ही होगी, और ऐसे समझने में तुम्हारी कमाई बड़ी भारी है, क्योंकि याद करना ही तो बड़ी कमाई है। बाबा कहते हैं ना, बाप की याद माना कमाई, ऐसे नहीं होता है कि बाप को छोड़ करके कोई कमाई करते हैं। तुम सिर्फ सुख स्वर्ग को याद नहीं कर सकते हो, बाबा तो ऐसे ही कहते हैं कि स्वर्ग को भी याद करो, परंतु पहले मनमना भव मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो बाप को याद करना होता है, और है भी बहुत सहज। देखो ये बुढ़िया है, मम्मा है, क्या तकलीफ है तुम लोगों को, यानी बाबा को नहीं याद कर सकती हो। ऐसे कौन बच्चे होंगे जो बाप को याद नहीं करते होंगे, ऐसा कभी सुना? बच्चे कहें मुझे बाप याद नहीं पड़ता है, ऐसा कभी से सुना क्या? यानी ये बात तो इम्पॉसिबल है कि बाप कहे, बाप को जाने और याद ना आए। 21 से 64 की वाणी का तीसरा पेज। तो अभी जब बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा है,
और हम आत्माएं अपने बाप परम पिता परमात्मा को याद करती है, क्योंकि उनसे सुख शांति का बेहद का वर्षा लेना है। तो इसमें मुझते क्यों हो, भूलते क्यों हैं? परंतु बाबा भी कहते हैं, हाँ बच्चे, ये माया बड़ी शैतान है। इस माया ने सारी दुनिया में परछाया फैलाया हुआ है। कौन सा परछाया? माया कौन सा परछावा फैलाती है? काम पहला नंबर, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और सुस्ती। तो तुम बच्चों ने एक कहानी सुनी होगी, गुलबकावली का खेल सुना है ना? ये भी ऐसे ही है। हम तो चाहते हैं कि पौ बारह हो जाए। बाबा को याद करना और माया तो झट पासा फेर देती है, क्योंकि अभी इस समय में कहेंगे ये भारत 6-3 में है, अर्थात याद में है, वो हार में है। इस 6-3 को पूरी हार कहा जाता है। अभी ऐसे है कि हार का तुम्हारा 12.5 बनना है। बाबा आकर के तुमको माया बिल्ली से जीत पहनाते हैं। अच्छा, अभी टाइम हुआ है, सेल्वेशन की जरूरत है, वो तो बोले हाँ, इसके लिए ब्राह्मण ही रिस्पॉन्सिबल है। जिनको ले आते हो, इनके खान पान वगैरह की पूरी संभाल करना है। बच्चे, इस बात में कोई लज्जा नहीं करना, कोई भी लज्जा नहीं करना। ब्रह्मा को सिर्फ बोलना है कि मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे एप्पल चाहिए, आम चाहिए, फलानी चीज चाहिए, या कोका कोला चाहिए। कोई शैतान बच्चे ने कहा, बाबा मुझे कुल्फी चाहिए। अरे हाँ, कुल्फी चाहिए? कहाँ गई हमारी भंडारी? ये बूढ़ी दादी कहाँ है? बूढ़ी दादी इनको गोलगप्पे भी खिलाएगी। उस बच्ची ने कहा, हाँ बाबा। अच्छा, बूंदी बूंदी लेकर के वो खिलाओ। तुमने अभी क्या बोला बच्ची? तो बच्ची ने कहा, कुल्फी। हमारा ओम प्रकाश कहाँ है? बहुत फर्स्ट क्लास बच्चा है। ओम प्रकाश, दिल्ली वाला ओम प्रकाश। हाँ जी, हाथ उठाओ,
क्या बनाना है? कुल्फी बनाना है। कल क्या है? कल सोमवार है ना? अच्छा दिन है, कल कुल्फी बनाना और उसमें आम का रस भी डाल देंगे, बड़ी अच्छी बनेगी। बच्चों ने कहा हाँ बाबा बहुत अच्छी बनेगी। ये तो अच्छे होते हैं क्योंकि वहां तो बाजारी का खाते थे, अभी वही चीज घर की खाते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो छिप छिप करके बोल करके चने वालों से गोलगप्पा खा लेते होंगे। एक कथा है ना, कि कृष्ण अर्जुन को बैठा करके चक्र में गया तो चने वाला आकर के पीछे पड़ा। पीछे यहां देखा, अभी देखेगा तो नहीं, एक आखानी बनाई हुई है। बाहर आकर के बोला पैसा, तो उन्होंने बोला पैसा तो है नहीं। बोला कसम उठाओ कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तो बोला अच्छा हम श्री कृष्ण का कसम उठाते हैं, तुमको पैसा जरूर देंगे। ऐसी आख्यानी सुनी है ना बच्चों ने? शास्त्रों में तो ऐसी बहुत बहुत कथाएं हैं और तुम बच्चे तो बहुत ही कहां ना कहां छिप करके खाते होंगे। कहीं भी गोलगप्पा का, कभी चने का, कभी कोई चीज का। देखो बाहर में वो कुल्फियां डांटी में डाल करके रख देते और ये तारा तो जरूर खाती होगी। तारा बच्ची सच बताओ भाई, हाथ उठाओ जो बाहर के गोलगप्पे चने या कोई भी फलानी चीज खाते हैं। बच्ची बाबा पूछते हैं, अभी लज्जा नहीं करो, बाबा तो खुश होते हैं ना। म्यूजिक बजा, जितने बच्चे खुश होते हैं इतने बाप भी खुश होते हैं, क्योंकि बाप तो अच्छी तरह से जानते हैं। कहते हैं ना मुझे कल्प कल्प तुम बच्चों से मिलना होता है। अभी ऐसे कोई दूसरा मनुष्य सन्यासी उदासी कह नहीं सकता, कह सकता है, बच्चे भी जानते हैं। देखो सबसे पूछो, आगे हम मिले थे हाँ बाबा कल पहले मिले हुए हैं, परंतु इसका अर्थ कभी कोई समझ नहीं सकता। अगर कल्प की बात सुने तो बोलेंगे उनको तो हजार वर्ष हुए और ये क्या बोलते हैं। फिर म्यूजिक बजा, अरे ये पंखा क्यों बंद कर दिया, चलाओ बच्ची चलाओ, इस पंखे को चलने दो, थोड़ी गर्मी है ना। अच्छा
माता पिता और बाप दादा का मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। दूसरा रात्रि क्लास है 22-64। तुम नंस हो, नन बट वन, क्योंकि ऊंचे थे ऊंचा बाप है। तुम किसको याद करती हो? नन बट वन। और याद करती हो उनके डायरेक्शन से, क्योंकि मनुष्य डायरेक्शन देते हैं ना। कहते हैं कृष्ण को याद करो, विष्णु को याद करो, ब्रह्मा को याद करो, आदिदेव को याद करो, ऐसे कहते हैं ना। तो मनुष्य मनुष्य को कहते हैं कि फलाने को याद करो, भले देवताओं को याद करो। और यहां यहां तो स्वयं बाप सन्मुख आकर के फिर बच्चों को कहते हैं, और आत्माओं से बात करते हैं। आत्माएं अपनी कर्म इंद्रियों से सुनती हैं, तो बच्चे अभी मुझे याद करो। बच्चों को ये मालूम हुआ कि अभी खेल खलास होता है, सभी एक्टर्स मौजूद हैं। देखो इस दुनिया के रंगमंच पर कितने एक्टर्स मौजूद हैं। वास्तव में सभी को कहेंगे, क्योंकि अच्छे और भले मनुष्य भी होते हैं ना, कोई तो बुरे भी होते हैं। इस दुनिया में देखते हो ना, ऐसे बच्चे हैं ना यहाँ। कोई तो देखो कितने ऐसे बच्चे होते हैं कि खून करने में भी देरी नहीं करते हैं, चोरी करने में भी देरी नहीं करते हैं। मार करके पैसा लेकर भाग जाते हैं। परंतु अच्छे आदमी भी बहुत हैं, ऐसे तो नहीं है कि नहीं है। अच्छे हैं, गरीब हैं, साहूकार हैं। तो यहां इस दुनिया में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, ऐसे तो जरूर कहेंगे। बुरे मनुष्य भी हैं, अच्छे भी हैं। वहां सतयुग में तो किसके मुख से ऐसे नहीं सुन निकलेगा कि अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं? नहीं, क्योंकि वहां तो सब अच्छे हैं। वहां बुरा अक्षर है, पाप आत्मा अक्षर है, निकलेगा ही नहीं। और यहां तो निकलता है ना, ये बड़ा पाप आत्मा है, ये बहुत पुण्य आत्मा है। परंतु वहां सतयुग में तो ये अक्षर भी नहीं आते हैं, क्योंकि वहां का पाप आत्मा कोई होता ही नहीं है। समझाया जाता है कि वहां सभी वॉइसलेस हैं। देखो नाम ही है वॉइसलेस वर्ल्ड। तो बच्चे अभी जानते हैं कि हम वॉइसलेस वर्ल्ड के मालिक थे। विश्व को वर्ल्ड भी कहा जाता है, सृष्टि भी कहा जाता है, दुनिया भी कहा जाता है। नाम तो अनेक हैं,
बच्चों को अभी ये भी जानकारी हुई, ये भारत जो देवी देवताओं का राजस्थान था, अभी वो ही पुराना भारत हुआ, ये तो जरूर कहेंगे। अभी जानते हैं, दुनिया नहीं जानती है, दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। कलह युग कहते हुए भी नहीं जानते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे कि पुरानी है, क्योंकि समझते हैं अभी तो कलयुग ही 40,000 वर्ष बाकी पड़ा है। बच्चे जान गए हैं कि अभी तो संगम युग है, और बच्चे जानते हैं कि अभी हमने इस पार से उस पार लंगर लगाया हुआ, लंगर उठाया हुआ है, उस पार बहुत नजदीक जाकर पहुंचे। इसको फिर कहा जाता है ज्ञान, कि हम इस दुनिया से पार जा रहे हैं। विषय वैतरणी की दुनिया है ना, अभी एक खिवैया आया हुआ है, और खिवैया है तो जरूर ये नैया है, तो इस नैया को विषय सागर के पार बहुत दूर ले जाते हैं। तो जैसे ये नैया है और अपने परम धाम के व शांति धाम के नजदीक हैं, तो बच्चों को खुशी है, ये बहुत थके हुए हैं, ये नाटक करते करते बच्चे थक जाते हैं, उसमें भी जो जो पार्ट लेते हैं, जिनकी एक्टिंग होती है, थक जाते हैं कि कहां नाटक पूरा हो तो हम भागे, क्योंकि उन लोगों को भी 4-5 घंटा तो नाटक में रहना पड़ता है, बल्कि 5-6 घंटे भी रहते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में है कि अभी नाटक पूरा हुआ, हम बहुत थक गए हैं और हमने बहुत थक्के खाए हैं। भगत तो नहीं कहेंगे कि हम कोई धक्का खाते हैं, भगत तो धक्का खाने के लिए यानी तीर्थों पर दूर दूर जाते हैं और थक जाते हैं। तुम बच्चों को तो कोई थकावट की बात नहीं है, सिर्फ याद की बात है। अभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम याद करते करते थक जाते हैं, ऐसे तो कोई भी नहीं कहेंगे। हाँ, परंतु माया याद में थोड़ा थोड़ा विघ्न डालती है, जिसको फिर माया के तूफान कहा जाता है, और कोई कोई तो जोर से विघ्न डालती है न चाहते हुए भी। कोई बच्चे कोशिश भी करते हैं कि नहीं, हम तो जैसे बाबा बताते हैं, बाबा ने समझाया है कि आशिक और माशूक है, 22 से 64 की वाणी का दूसरा पेज। दुनिया में तो कोई नहीं जानते हैं कि बरोबर कोई आत्मा आशुक होती है और परमात्मा आत्मा का माशूक होता है। ये परमात्मा आशिक नहीं होता है क्या? बहुत समझ लेते हैं कि परमात्मा बाप आशुक होता है और हम आशुक हैं,
वो आशिक होता है तो पहल करे। तुम बच्चे तो जानते हो कि हम सभी आत्माएं अब परमात्मा के आशिक हैं। दुनिया में कोई इस आशिक और मासूक को नहीं जानते हैं, भले गाते हैं परंतु प्रैक्टिकल में जिसको कहें कोई भी नहीं जानते हैं। प्रैक्टिकल किसे कहा जाता है, हैं? परमपिता शिव ज्योति बिंदु है तो प्रैक्टिकल होता है, नहीं होता। साकार शरीर में प्रवेश करते हैं तभी तो प्रैक्टिकल मासूक बनता है, और हम बच्चे आशिक होते हैं। तुम बच्चों में भी बरोबर नंबर बार हैं जो समझते हैं, कोई तो बड़े अच्छे आशिक हैं। कैसे आशिक हैं? बड़े अच्छे माना क्या, चाहे प्यार करे या ठुकराए तो भी हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। इससे क्या साबित हुआ कि ऐसे बच्चे बाप मासूक हैं और हम आत्माएं आशिक हैं। इस बात को जानने वाले हैं या अज्ञान है? जानने वाले हैं तो ऐसे बच्चे मासूक को बहुत अच्छा याद करते हैं। फिर ये विघ्न कौन डालते हैं? कम कोई ज्यादा, ऐसे तो होता ही है, कोई अच्छे आशिक हैं मासूक हैं, बड़े प्यार से याद करते हैं, और ये याद भी तुम्हारी प्रवृत्ति मार्ग की है। कैसे है प्रवृत्ति मार्ग की याद? कैसे है निराकार और साकार प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। मैं किसको याद करती हूँ? बाबा को याद करती हूँ। ऐसे नहीं कहना है कि बाबा से योग रखती हूँ। अपने घर में बच्चे थोड़े ही ऐसे कहेंगे, वो तो कहेंगे हम बाबा को याद करते हैं, मम्मा को याद करते हैं। एक फैमिलियरिटी का अक्षर है जो अपने गृहस्थ का होता है प्रवृत्ति मार्ग का। तो इस बात को याद रखना, यह आदमी ची भी है, परंतु कोई कहे कि हम तो भूल जाते हैं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? यानी बच्चा कभी कह थोड़े ही सकता है कि हम बाबा को भूल जाते हैं। अज्ञान काल में भी कभी कोई नहीं बच्चा ऐसे कहेगा कि हम बाबा को भूल जाते हैं। यहां तो भूल जाते हैं तो कहेंगे कि मर जाते हैं। ऐसे भी है दुनिया में, देखा है ना, मर जाते हैं, कोई अकाले मौत में मर जाते हैं तो भी तो याद करते हैं ना, क्योंकि उनका चित्र भी तो रहता है ना। तो याद बड़ी अच्छी चीज है। तो यहां भी हम माता पिता को याद करते हैं तो बच्चों को ऐसे ऐसे अपने से वाचा से बात करनी चाहिए कि माता पिता को जिसके हम बच्चे बने हैं उनको याद करते हैं। ये बात
रूह के लिए हुई। इसी याद में ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। अतीन्द्रिय सुख पूछो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। क्यों ऐसे कहा? अभी गोपी बल्लभ कौन है? कहेंगे शिव बाबा। कृष्ण बच्चे को तो बल्लभ कह नहीं सकते। अभी यहां समझते हो बरोबर हम माता पिता के सन्मुख बैठे हुए हैं। जितना यहां तुम बच्चों को याद रहती है, क्योंकि यहां तो तुम सन्मुख हो ना, घर में बैठे हो तो क्यों नहीं याद कर पड़ेगा? नहीं तो यहां किसके पास आए हो? तो सब जरूर कहेंगे कि हम माता पिता बाप दादा के पास बैठे तो आए हैं, बैठे हैं, घर में बैठे हैं ना, तो बहुत कहेंगे, दिल होगी बाबा अगर आपके पास हम सदैव रहेंगे तो हमको अच्छी तरह से भाषणा आती रहेगी, हमारी याद और निश्चय पक्का होता रहेगा। अब अगर आपके पास हम सदैव रहेंगे तो, परंतु ऐसे सबका यहां ड्रामा में ठहरने का नहीं है। क्यों? सबका यहां ड्रामा में ठहरने का क्यों नहीं है? क्योंकि जाना ही पड़ता है। ब्रह्मा को तो हजार भुजाएं दिखाते हैं और शंकर को है, शंकर को तो हजार भुजाएं नहीं दिखाते हैं। भुजाएं माने, भुजाएं माना ही सहयोगी, तो ब्रह्मा के तो सहयोगी बनते हैं लेकिन शंकर के सहयोगी आदि से अंत तक नहीं बन सकते, तो जाना ही पड़ता है। क्योंकि सबको अपने घर गृहस्थ को संभालना होता है। अच्छा, शंकर जी को परवाह नहीं है, है? शंकर जी को अपना घर गृहस्थ संभालने का परवाह नहीं रहता है। कहते हैं अपनी अपनी क्रिएशन को संभालना है, जाना ही पड़े, नहीं तो इतने ढेर के ढेर बच्चे यहां आकर के कहां बैठ करके हम पालेंगे? देखो बहुत बच्चे होते हैं तो भी कितनी बड़ी बड़ी डेग बनाते थे, अभी भी देखो कितनी डेंगियां बनाई हैं। देखो यहां मधुबन में क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई साध माना हो रहा हो। कैसे है? साध माना हो रहा हो, ऐसे कैसे लग रहा है? हैं? डेंगियां चढ़ती रहती थी और आगे भी चढ़ती रहेंगी, क्योंकि बच्चों की वृद्धि तो होती रहेगी।
एक समय में इतने बच्चे आ करके इकट्ठे होंगे, परंतु वो शायद इतनी बड़ी डेग तो है नहीं। तो देखो वहां मुसलमानों का जो अजमेर में दरगाह होता है ना, उसमें पता है कितना भांडा है। कोई बच्चे ने कहा 120 बंकी, बोलो बाबूजी आपके पास इतना बड़ा 120 बंकी। तो विवेक कहता है कि यहां कितनी बंकी डेग पर फिर आकर के चढ़ेंगी जरूर। ऐसे ही जैसे कि बाप खुद कहते हैं, ये बाप दादा दोनों कहते हैं ना, हम कितने बच्चे वाले हैं, ढेर के ढेर बच्चे वाले होते ही जाते हैं और आते ही जाते हैं। तो बताओ कितने बच्चे हो जाएंगे, देखो तो। और वो बच्चे सब सौतेले होंगे या सगे होंगे, बम्मा बाबा तो जरूर कहेंगे ना सौतेले और सगे। कोई काका चाचा भाई भाई तो यहां नहीं है। 22 से 64 की वाणी का तीसरा पेज। ये सब थोड़ा सौतेले ही हैं, क्योंकि जो प्रतिज्ञा नहीं करते हैं पवित्र नहीं बनते हैं, और जो पवित्र बनते हैं उनको क्या कहेंगे, सगे। तो फिर खुशी भी जरूर होनी चाहिए, बच्चे जान गए हैं जिसके लिए हम कहते थे तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे। ये अक्षर बड़े अच्छे हैं, बरोबर उस माता पिता से हम वर्षा पाए रहे हैं। हाँ थोड़ी याद की मेहनत है, अब याद की मेहनत को कोई मेहनत थोड़ी कहेंगे। बच्चे बाप को याद करते हैं, हम याद करते हैं, तो ये कोई मेहनत थोड़ी है, ये तो ऑटोमेटिकली जैसे हो जाता है। तो ये भी आत्मा परमात्मा की गोद में आकर के बैठती है, क्योंकि यहां बाबा आते हैं ना, बाबा पूछते हैं तुम किसकी गोद में आई हो, तो कहेंगे शिव बाबा की गोद में। अच्छा शिव बाबा की गोद में आई हो तो भला बाबा को क्यों याद करते रहते हैं, क्यों याद करते रहेंगे ना। कुछ प्राप्ति होगी ना, जब भी कोई बच्चा नहीं होता है तो माता पिता दोनों बच्चों को अडॉप्ट करते, माता पिता को तो जरूर याद करेंगे क्योंकि वर्षा भी उनका सामने खड़ा रहता है। तो देखो यहां तुम्हारे पास कितनी आमदनी मिलती है, विश्व की बात सही तो बहुत पक्का याद करना चाहिए अच्छी तरह से, बड़ी भारी प्राप्ति है, बहुत प्राप्ति है। और सिर्फ याद से सो भी ढिंडोरा पीट करके याद करते हो क्या, नहीं चुप करके याद। अब ये तो जरूर है जो याद करेंगे और औरों को याद कराएंगे वो ऊंच फल पाएंगे, जो करेगा सो पाएगा। अच्छा जहां बैठे
वहाँ तुम यात्रा पर हो। वो तो वहां जाते हैं कोई ठिकाने पैदल कर्म इंद्रियों से, जो स्थूल कर्म इंद्रियां हैं इनसे चलना होता है। यहां तो इनसे काम नहीं लेना पड़ता। आत्मा को बड़ी खुशी होती है, 10 वर्ष के पीछे परदेश से कोई का बाप आवे और बच्चों से मिले तो खुश नहीं होते हैं बच्चे, बहुत खुश होते हैं। तो ये जो कल्प के बाद आकर के मिले हैं तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना, और सौगात भी लेकर के आए हुए हैं, तुमको मुट्ठी में खर्ची देते हैं। हाँ, ऐसे मुट्ठी में करके तुमको क्या मिलता है, बाबा क्या देते हैं? बाबा तुमको बैकुंठ की बात चाहिए देते हैं। ये गीत है यहाँ तुम लोगों के पास, क्या गीत है? मुट्ठी वाला कोई गीत है? हैं? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी। तो यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे तो नहीं है ना, हैं? हैं? किसका गायन है ये? गायन कहाँ का है? हैं? अरे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं या समझदार बच्चे हैं? समझदार बड़ों को कहा जाता है और नन्हे मुन्ने छोटों को कहा जाता है। तो देखो ये सच्ची सच्ची बात बताने वाली गीत है, वो भी गाते हैं और है तुम्हारे लिए, परंतु गाते हैं वो बेचारे और हैं भी नन्हे मुन्ने बच्चे। देखो ये कितने ढेर के ढेर हैं। अब तुम्हारी मुट्ठी में बरोबर स्वर की बात चाहिए। कुछ पिछाड़ी में भी वो ऐसे ही शायद कहते हैं राजा बनेंगे, अपने बच्चों को सिकीली बच्चों को ये कल पहले भी खिलाया होगा, कल पहले ये खाए होंगे और भी खिलाता हूं। कोई बच्चे ने कहा बाबा अब तो आइसक्रीम सबको मिल गई होगी, कोई को हाथ आइसक्रीम न मिली हो तो हाथ खड़ा करो, कायदे अनुसार फिर भी बनेगी। बच्ची ने कहा फिर दूसरी, तो दूसरी बच्चे ने कहा गोलगप्पा कब बनेंगे? अरे गोलगप्पा इन टैप वाले बच्चों को कैसे खिलावे? यहां तो शिव बाबा अभी सू भी रस पिलाए रहे हैं, हाथ में कटोरा है और तुम बच्चे तो कुछ भी टेस्ट नहीं ले सकेंगे। अगर पूछना है तो टेस्ट लेने वाले से पूछो। अच्छा अभी मम्मा को भी खिलाते हैं, मम्मा थोड़ा मुख तो खोलना, अच्छा टेस्ट करके देखो, अच्छा है मीठा है? बच्ची ने पूछा मम्मा ठंडी तो नहीं लगती है? तो बोला हाँ अच्छा है। कोई बच्चे ने कहा बहुत अच्छी आइसक्रीम है, अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट ओम शांति।